क्या कंगना जी अभिनेत्री हैं, इतनी बड़ी अभिनेत्री हैं, मुंबई से जारी मंडी आई, मंडी की बेटी कहकर पुकार रही हैं, लगातार कंपेनिंग कर रही हैं, तो क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए, जहां तक कंगना रनौत की बात है, ये माया नगरी की हीरोइन है, ये माया नगरी में अच्छा लगता है, वही माया नगरी में बैठे, ये काम नहीं कर पाएगी, ये फिल्म इंडस्ट्री के इसको माया नगरी में उलझी हुई है, तो ये माया नगरी में ही रहेगी, वही अच्छा लगता है। जहां तक विक्रमादित्य की बात है, वो उनके फादर यहाँ पर 6 टाइम हिमाचल के चीफ मिनिस्टर है, आज जो हिमाचल नंबर 1-2 में है पूरे हिंदुस्तान में, वो राजा वीरभद्र का देन है, और उसका लड़का जो आज एमपी के लिए हम लड़ रहा है, तो हमें ये लगता है कि वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा और हिमाचल की जो तरक्की हुई है उसमें उसका और योगदान रहेगा। हालांकि वो इस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, परंतु फिर भी हम चाहते हैं कि वो पूरे हिंदुस्तान का सेवा करे, जिस तरह से हिमाचल को उसने उसके फादर ने एक डेवलप्ड स्टेट बनाया, वैसे ही विक्रमादित्य जो है हिंदुस्तान के लिए एक हिंदुस्तान का एक एसेट है, हिंदुस्तान का फ्यूचर है। विक्रमादित्य पे भरोसा कर रहे हैं आप? जी जी जी। कंगना जी पे भरोसा नहीं कर? बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। वो तो कह रहे कि मंडी की बेटी हम हैं, मंडी में आएंगे तो जो काम नहीं हुआ वो हम करके दिखाएंगे। मोदी जी का बार बार जिक्र करके एक नंबर के प्रधानमंत्री मोदी जी, मोदी को 400 के 400 एमपी की जगह पर ले जा रहे हैं, मोदी के नाम पर वोट ले रहे हैं, अपना भी तो इफेक्ट होना चाहिए ना, अपना भी एक योगदान होना चाहिए। मोदी को कहां ले जाएंगे ये? मोदी को यूपी ले जाएंगे, मध्य प्रदेश में ले जाएंगे, महाराष्ट्र में ले जाएंगे, हर जगह मोदी मोदी मोदी, अपनी भी तो एक योग्यता होनी चाहिए ना, तो इसलिए हम कंगना रावत के साथ नहीं है। वो कह रही कि एक बार जिता के भेजिए, देखिए किस तरीके के मंडी का विकास करते हैं हम। ये बिल्कुल बिल्कुल, जब आपदा आया था तब तो कंगना रावत थी नहीं, और ना ही ये हमारे कसौटी पर खड़े उतरेगी, तो ये माया नगरी में ही ठीक है, माया नगरी की हीरोइन है, माया नगरी में ही रहे। चुनाव के बाद आप लोग चाह रहे हैं कि फिर से कंगना रावत वहीं चले जाए, मुंबई वहीं चली जाए, इसलिए हम इसको वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे। अच्छा बताइए, तो कह रहे कि वो तो वहीं चली जाएंगी, फिल्म इंडस्ट्री में काम ही नहीं करेंगी। जो बोला बिल्कुल सही बोला, वो नहीं करेगी काम, ना काम करने की उनके अंदर क्षमता है, ना कुछ है। बेटी बेशक है, हिमाचल की बेटी है, मंडी की बेटी है, वोट तो मांगेगी बेटी के नाम पे, है ना? लोग नहीं दे रहे वोट बेटी के नाम पे, बेटी के नाम से वोट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। भरोसा नहीं कर रहे कंगना जी पे? भरोसा नहीं करेंगे ना हम मोदी पे भरोसा कर रहे हैं, ना कंगना पे भरोसा कर रहे हैं। मोदी जी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं? कोई भरोसा नहीं है। मोदी जी ने आज तक क्या किया? 10 साल सरकार रही मोदी जी की, गरीबों का क्या हाल किया आपको मालूम है? यहाँ हमारे ट्राइबल एरिया है, अभी तो SC ST के लिए हमारे को रिजर्वेशन मिलता है, मोदी बोलता है हम इसको भी खत्म करेंगे, हैं उनके लोगों ने स्टेटमेंट दिया बाकायदा। तो अच्छे दिन की बात कर रहे थे 10 साल पहले, कहां है? वो तो अच्छे दिन नहीं है, वो तो सिर्फ शक्ल पे है। अच्छे दिन तो उनके शक्ल सुधार गया, उनके दाढ़ी अच्छी हो गई, सफेद हो गया, वो अच्छे दिन है। अब जनता आदमी यहाँ पूछे किस जनता को अच्छे दिन आए? अच्छे दिन किसी के नहीं आए। गरीबों का कल्याण हो रहा है, गरीबों का भला कर रहे, राशन फ्री में दे रहे हैं। देखिए बात सुने भैया, आप बोल रहे हैं तो ठीक है, आप दिल्ली से आए, लेकिन एक बात सुनिए, यहाँ के हालात को देखिए। यहाँ की जनता लास्ट ईयर पिछले साल इतनी आपदा आई, कभी भी कोई बीजेपी का लीडर आया, सेंटर से कोई मिनिस्टर आया, प्रधानमंत्री ने कभी कोई बात बोली? एक लफ्ज नहीं बोला। यहाँ पे सारे रास्ते टूट गए, लोगों के मकान बह गए, करीब 10-11 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ हिमाचल में। कोई भारतीय जनता पार्टी कहाँ उस पर कंगना थी, ना कहाँ मोदी है, हैं? देखिए आप, मैं एक और बात सुनाता हूँ। गैस सिलेंडर जो हमारे कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस के लोगों ने 400 रुपए में छोड़ा था, आज वो 1100 रुपए पहुंच गया। तेल की बात करो, तेल बोलता है जी हम इतना, अभी 400 का पारा वो लगा रहे हैं ना, 400 कुछ नहीं है, या जो तेल का रेट होगा डीजल और पेट्रोल का वो होगा 400 पार जब सरकार बनेगी। तो आपको लगता है कि भाजपा की सरकार में महंगाई बढ़ जाती है? महंगाई तो बढ़ ही रही है। इस बार भरोसा कंगना जी पे बिल्कुल नहीं कर रहे, कोई नहीं, मोदी जी पे भी नहीं कर रहे, मोदी जी पे भी नहीं है। मोदी जी ने कहा 24 मिनट चाहते मोदी जी प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं पाकिस्तान और चीन को आंख दिखाऊंगा, आज चीन जो लद्दाख में हमारे जो बेरान लैंड थे उसमें चाइना आ गया, तो लद्दाख के लोग एजिटेशन कर रहे हैं, वो गोदी मीडिया वाले बता नहीं रहे हैं, पूरा लद्दाख जो है आज वो तो ये भी कह रहे ना कि हमको बनाइए विकसित भारत का संकल्प लेके आगे जाएंगे, 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं वो मोदी जी। तो 10 साल में क्या विकसित भारत किया? उसका बुलेट ट्रेन कहाँ गया? उसके वो स्मार्ट सिटीज कहाँ गए? उसके जो 15-15 लाख के जो वो कहते वो कहाँ चला गया? वो तो सारा एक ढकोसला है, एक लोग 10 साल का लिया बहुत है, तीसरी बार नहीं। बिल्कुल मोदी जी को रेस्ट करने चाहिए। बोला ठीक है जी, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पे भरोसा किस पे कर रहे हैं हम? तो जी अपने कांग्रेस के ऊपर कर रहे हैं। विक्रमादित्य पे? कंगना जी आई है मुंबई से, कह रहे कि मंडी की बेटी है। वो तो शूटिंग में जाएगी जी। अच्छा, वो शूटिंग में जाएंगे, वो तो फिल्म तैयार कर रही है। अच्छा, तो यहाँ पे भरोसा विक्रमादित्य पे, कांग्रेस पे? हाँ जी मोदी जी के नाम पे वोट नहीं पड़ रहा है? ओ नहीं जी, वहाँ पे कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, नहीं जी। क्या लग रहा है भाई साहब इधर चुनाव में, क्या मामला लग रहा है, कांग्रेस का या भाजपा का? कंगना जी आई है भाजपा से भाई जी, दोनों की टक्कर है, टक्कर है।
दोनों में लड़ाई है, एक तरफ नहीं मामला है, दोनों तरफ। अच्छा कौन है, विक्रमादित्य या कंगना? भाई जी हमारे लिए तो सब अच्छे हैं। भाई साहब आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ क्या लग रहा है, विक्रमादित्य या कंगना? मेरे ख्याल में विक्रमादित्य आएगा। विक्रमादित्य, हाँ जी, ज्यादा आगे निकल रहे हैं विक्रमादित्य, क्योंकि विक्रमादित्य की छवि जो है राजनीति में पहले से, कंगना नहीं है, तो कंगना क्या जाने राजनीति क्या है। लेकिन वो तो कह रही लगातार मंडी की हम बेटी है, मंडी वाले इस बार मुझे बेटी हुई तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, राजनीति में छवि बना पाएगी? अच्छा भरोसा नहीं कंगना जी पे? नहीं, विक्रमादित्य पे भरोसा है। अच्छा, ये भी लग रहा है क्या कि कंगना जी जीत जाएंगे तो वहाँ मुंबई भाग जाएंगे, मुंबई निकल जाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे? अच्छा, इसी वजह से भरोसा कम हो रहा है क्या उनको? नहीं, उनके जो है ना एक्सपीरियंस है। विक्रमादित्य के जो पिताजी 6 बार जैसे सीएम रहे, विक्रमादित्य भी देखिए विधायक भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, तो इन पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं आप? विक्रमादित्य की जो एक्सपीरियंस है ना, काफी पहले से राजनीति में है, तो इसलिए इन पे भरोसा किया जा सकता है।